देखिए, मोबाइल की का ये चौथा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरे आने के बाद साइबर सेल द्वारा किया गया है, और हर बार करीब करीब 45 से 50 मोबाइल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सभी को मालूम है कि मोबाइल एक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में है। जैसे हम लोगों के लिए रोज़ काम करना ज़रूरी है, वैसे काम के साथ मोबाइल जुड़ा हुआ है। तो आदमी मोबाइल लेके चलता है, कई बार लापरवाही बस, कई बार भूल बस, कई बार अपराध बस मोबाइल किसी न किसी के हाथ में चला जाता है। तो ऐसे में मोबाइल को हमारे जैसे ही सूचना होती है, हमारी साइबर सेल सक्रिय होती है और मोबाइलों को इकट्ठा करती है, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा एक प्रक्रिया है, और ताकि लोग अपने मोबाइल को कई बार सोचते हैं कि अरे दो चार छः महीना या दो साल हो गया, 4,000 का है, कोई नया ले लेंगे। तो ये प्रवृत्ति ना हो के पुलिस को सूचित करें, अपने मोबाइल को प्राप्त करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी फायदा होता है कि लोग पुलिस के पास आते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। मेरे पास भी अधिकांश शिकायतें हैं, डिफेंस विभाग के पास भी आती हैं कि साहब हमारा मोबाइल ढूंढवा दीजिए, साइबर सेल को मार्क कर दीजिए, वो ढूंढ देंगे। तो साइबर सेल निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इस तरह निरंतर कार्य करती रहे इसकी हम आशा करते हैं। जैसे मोबाइल चोरी होते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ढेर सारे मोबाइल छीनने वालों को गिरफ्तार किया गया हो, चाहे बैकुंठपुर हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे सिविल लाइन्स हो, चाहे सामान हो, चाहे बिछिया हो, हर जगह मोबाइल की भी छीनने वाले लोग भी पकड़े गए हैं। जो कई बार महिलाएं पर्स लेके जाती रहती हैं, पर्स में मोबाइल रख लेती हैं, और कई बार लापरवाही पूर्वक जो है पर्स को कंधे में लटका के ऐसे हो जाता है, तो कई बार बैग छीन जाता है। तो ऐसे में मोबाइल हमको मिलने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 महीना लगता है, लेकिन वो सारे आरोपी पकड़े जाते हैं जो मोबाइल छीनने वाले आरोपी होते हैं। तो अपराध यदि दर्ज है तो तब भी बरामद करेंगे, अपराध दर्ज नहीं है, कहीं मिसिंग हो गया है, ऑटो में बैठने पे जैसे भी मिसिंग हो गया, वैसे भी हर बार हम मोबाइल को जब्त करना उद्देश्य होता है और लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। संजू पटेल 27 नंबर 27 रीना सिंह सुरेश चंद 23 नंबर अजय नंबर इधर इधर मैन